ये सागे गए अच्छा देखी है क्या एक केड़ी चटनी है की हाँ जी टमाटर की चटनी है देखी पे है मक्खन है जबरदस्त ये आलू की पीठी है देखी है पेड़े अच्छा देसी आटा है What's up guys, welcome back to my YouTube channel and brand new video में और आज आप देख सकते हैं जी अभी हम बैठे हैं जी पराठे खाने के लिए ये पहलवान भाई हैं जी ये हमारे इनके पास फर्स्ट टाइम है और देखते हैं जी इनके पराठे कैसे हैं ये पराठे मूली वाले पराठे लगाते हैं आलू वाले पराठे लगाते हैं और पराठे के ऊपर ये साग डाल के देते हैं टमाटर की चटनी डाल के देते हैं और मक्खन डाल के देते हैं और अब टाइम ज़ाया किए बगैर भाई के पास चलते हैं और बातचीत करते हैं जी कि कितने अरसे से यहाँ पे बैठे हैं और ये पराठे बेच रहे हैं अस्सलाम वालेकुम भाई की हाल है ठीक जी अच्छा भाई मैं दसो तुम कितने अरसे तो इतने बैठे गए जी 50 साल हो गए आपको इसी जगह पे बैठे हुए अच्छा इतना अरसा हो गया आपको तो आपने कोई ये सेटअप वगैरह चेंज नहीं किया दुकान शुकान आपने कोई निज़ाम चल रहा है आपका अच्छा मुझे ये बताएं कि आप कौन कौन से पराठे देते हैं आलू वाले मूली वाले और अंडे वाले पराठे तो ये साग का क्या सीन है साग मीन्स के साग अच्छा गर्मियों में पालक देते हैं और सर्दियों में ये साग देते हैं तो कितने बजे लगा लेते हैं आप ये सेटअप 24 घंटे सेटअप चलता है ये तो 2-3 घंटे अड्डा बंद रहता है जी इनका और ये पराठे बना रहे हैं और इनको काफ़ी अरसा हो गया इस ये सेटअप चलाते हुए पराठे बनाते हुए अच्छा ये सेटअप शुरू किसने किया था वाले साहब ने शुरू किया था सेटअप और उसके बाद फिर आपने संभाल लिया और अच्छा मुझे ये बताइएगा अगर किसी ने आपके पास आना हो तो वो कैसे है मुझे थोड़ा सा ना लोकेशन लोकेशन का समझा दें अच्छा अच्छा जी आपने अगर इनके पास आना है पराठे खाने के लिए इनके मज़े मज़ेदार पराठे खाने के लिए आपने इस तरह करना है आप माल रोड से अनारकली से बाहर निकलेंगे सामने लोहारी गेट है लोहारी गेट पे आके किसी से भी पूछ लें पहलवान पराठे वाला आपको जो पहले वाला है यहाँ पे काफ़ी बैठे हैं जो पहले वाला जो पुराना बैठा हुआ आपने उसका पूछना है और आपको ईजिली इनकी लोकेशन का बता देंगे ये इतने फेमस हैं इस एरिया में और अगर आपने इनके पराठे खाने हैं तो आ जाओ फिर लो जी अभी हम बैठे हैं जी पहलवान साहब के पास पराठे खाने के लिए हमने एक ऑर्डर किया था ये मुझे लगता है कि हाँ ये मूली का पराठा ये चेक करने जी ये मूली का पराठा है ठीक है जी और इन्होंने ऊपर हमें साग डाल के दिया है टमाटर की चटनी है मक्खन है और ये है जी आलू का पराठा नहीं यार अभी मूली का पराठा आ गया अब पुआ जी एक आलू का पराठा देना दोनों मूली वाले आ गए साढ़े को एक आलू वाला भेजो अरे ये दोनों हमारे पास मूली वाले आ गए हमने आलू का ऑर्डर कर दिया आलू वाले पराठे का ये हमारे इनके पास फर्स्ट टाइम है अभी टाइम ज़ाया किए बगैर बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं क्योंकि हमारे पराठे ठंडे हो जाएंगे और आज मौसम भी बड़ा सुहाना है ठंडा मौसम है पराठे खाने वाला मौसम है तो बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ये हम पहले मूली वाला पराठा ट्राई करते हैं जी और तब तक हमारा आलू वाला पराठा भी आ जाएगा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ये चेक करें ये देख ये अंदर मूली है चेक करें अब इसकी हमने बाइट बनानी है जी साग टमाटर और मक्खन के साथ चेक यार इसमें मैं आपको बताऊं जो साग है ना साग का तो इतना फ्लेवर नहीं आ रहा जो टमाटर और मक्खन का फ्लेवर आ रहा है ना जो वो मज़ा दे रहा है पराठे के साथ यह यकीन करने कमाल है साग बिल्कुल प्लेन साग है लेकिन जो टमाटर और मक्खन है ना मक्खन का आपको मज़ा आएगा जब आप आएंगे ना आके पराठे ट्राई करेंगे आपको
टमाटर की चटनी और मक्खन का जो जायका है ना यार, वो कमाल है। चेक करें, साग टमाटर वाली चटनी और मक्खन का कॉम्बिनेशन है ये तीनों इस तरह ऊपर डाल के देते हैं, ये चेक करें। और ये हमारा आलू वाला पराठा भी आ गया, चेक करें, गर्मा गर्म क्रिस्पी और मौसम के हिसाब से बिल्कुल ज़बरदस्त है। आप चेक करेंगे ये इनका आलू वाला पराठा, ये चेक करें, ओए हो गर्मा गर्म गर्म है, पाइपिंग हॉट है, लेकिन आप खाएंगे, खा के चेक करते हैं कि इनका मूली वाला पराठा मज़े का है, ज़्यादा स्पाइसी नहीं है, दरमियाना स्पाइसी है, लेकिन पराठा मज़े का है। अब इनका आलू वाला पराठा चेक करते हैं जी, ये कैसे है, कैसा बना हुआ है जी। ये देखिए हमने एक बाइट बना लिया जी, और नवाला बड़ा बन गया, चेक करें जी। और ये थोड़ा सा मक्खन लेते हैं इसके साथ, ओए हो कमाल है यार। पराठा बहुत ही गर्म है, मुझसे बोला नहीं जा रहा, लेकिन इनकी जो आलू वाली इन्होंने पीठी बना के डाली है ना बीच में, बिल्कुल माइल्ड है और लेकिन टेस्ट अच्छा है। तो जी हमने इनके पराठे खा लिए, और मैं आपको बताऊं इनके जो पराठों का जायका था ना, जायका बहुत ही मज़ेदार था। और अभी वीडियो को यहाँ पर ख़त्म करते हैं, लेकिन वीडियो को ख़त्म करने से पहले आप लोगों से एक गुजारिश है, प्लीज़ आप मेरी वीडियो को पूरा देखा करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और प्लीज़ जो सबसे ज़रूरी बात है ना, मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, आपकी बड़ी मेहरबानी। और अभी मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।